भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरती भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। कोरोना संक्रमण की महामारी से सबका हाल बेहाल है, खास करके उन प्रवासियों मजदूरों का जो दूसरे राज्यों में मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरने का काम करते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण ने सब कुछ छीन लिया और इन लोगों को आज हालात बद से बदतर हो गए हैं। मगर बिहार सरकार ने इन लोगों के लिए एक पहल शुरू की जो क्वारंटाइन के बाद इन लोगों को रोजगार दे रही है। मनरेगा योजनाओं में सभी लोगों को रोजगार मिलना सुनिश्चित तय हो गया। दर्जनों प्रवासी मजदूर अब मनरेगा योजनाओं में काम करना शुरू कर दिया है, जिससे अब इन लोगों के परिवार पर किसी भी तरह की आर्थिक संकट नहीं गहराएगा। मधुबनी जिले के बेनूपट्टी प्रखंड अंतर्गत ढंगा पंचायत के प्रवासियों को सरकार की एक पहल ने खुशियां ही खुशियां दी है, जिससे यह लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करके अपने परिवार के पेट की आग बुझाते थे, लेकिन कोरोना महामारी ने इन लोगों की सारी खुशियां छीन ली। उसके बाद फिर से यह लोग किसी तरह दूसरे राज्यों से अपने राज्य आए और फिर उसके बाद 14 दिन क्वारंटाइन हुआ। फिर जाकर इन लोगों को सरकार ने एक पहल की और इन लोगों को अपने ही पंचायत में रोजगार देने लगे। मनरेगा योजनाओं से इन लोगों को रोजगार मिलना तय हो गया। मधुबनी से रंजन कुमार के साथ ए कुमार की रिपोर्ट। हाँ बताइए, इससे पहले कहाँ काम करते थे? वहाँ हम लोग बम्बई में काम करते थे, अभी बम्बई में कोरोना की वजह से हम लोग घर पे आ गए, तो इसके लिए नहर में रोजगार दिया गया है, तो इसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ खुशी मिल रही है जो जैसे बम्बई में मिल रहा था जी, मेहनत करते थे वहाँ जी। क्या आप लोगों को मिलता है इसमें प्रत्येक दिन का, और कितने दिनों पर पैसा मिल जाता है? ये तो हफ्ते में बोला गया है कि पैसा मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा अभी? ये तो खुद 300 रुपया कुछ ऐसा बोला है। बम्बई में रहते थे, अभी तो मतलब एक महीना पहले आए हैं, पूरा बीमारी फैल चुका है वहाँ पे, हल्ला है, कंपनी उपनी सब बंद है, इसलिए हम लोग बिहार आ गए हैं। बिहार में अभी काम मिल रहा है, काम कर रहे हैं हम लोग अभी। तो मैंने कौन सा काम कर रहा है? ये अपना रोजगार चालू किया है, मध्यकरण का काम कर रहे हैं। कितने दिनों से कर? मतलब 10 रोज से कर रहे हैं। कितना तक काम कर लिया होगा, कितना दूरी तक बनाया होगा ये? अभी तो कितना दूरी तक, यानी कि 500 फीट तक किए होंगे। ऐसे क्या कितनी दूरी पे काम करना? ये मनरेगा योजना के तहत बेनीपट्टी ब्लॉक के ढांगा पंचायत में मलमल सीमा से कोसी नहर तक नाला उड़ाही का कार्य कराया जा रहा है, जिसकी लागत 8,88,500 रुपए का है। और इसमें एक अपने तरह का पहला प्रयोग किया जा रहा है इस ब्लॉक में, संभवतः इस जिला में भी। ये एक मॉडल है महाराष्ट्र के दोहा में, जो देख रहे हैं आप, ये गड्ढा बनाया जा रहा है। इस गड्ढा बनाया जा रहा है जिसके तहत इसमें जो बारिश के समय में या बाढ़ के समय में जो पानी के साथ मिट्टी मिला हुआ जो आता है, तो ऐसा हम लोग अनुमान के तहत करा रहे हैं कि इसमें पानी जो गाद होता है, सिल्ट होता है, वो जमता जाएगा और पानी स्वच्छ जल आगे बढ़ते जाएगा। जी बताइए, ये जो कैनाल बन रही है, इससे क्या आप लोगों को मिलेगी? ये कैनाल से किसानों के हित में बढ़िया काम होगा और सिंचाई की सुविधा ससमय किसान कर पाएगा। देखिए, बरसों से ये नहर बंद हो चुकी थी, बथन हो चुका था, यानी पूरा तरह से डेड पड़ गया था। और हमारे यहाँ लॉकडाउन होने के कारण बहुत सारे प्रवासी मजदूर आए, उनको रोजी रोटी के लिए काम की आवश्यकता थी। वहाँ लगभग 400 एकड़ जमीन की सिंचाई की भी असुविधा थी, इसीलिए मन हुआ जो नहीं, इस नहर को खुदवा करके सिंचाई की व्यवस्था भी हो जाएगी और हमारे प्रवासी मजदूर जो आए हैं लॉकडाउन में, उनको रोजगार भी मिल जाएगा और हमारा पंचायत खुशहाल हो जाएगा।